दोस्तों, आज जा रहे हैं मछली लाने और देखते हैं कौन सा मछली मिलता है। और जा रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं गोल्डन मछली, गोल्डन हो, रोहू हो या रूपचन हो, देखते हैं कौन सा मछली मिलता है। और हम चलते हैं अपना थार से। देखिए दोस्तों, हमारा ये थार खड़ा है। दोस्तों, हम इसी थार से जाएंगे अपना, क्योंकि हमारा थार यही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और मेरा ये बेटा भी जाएगा साथ में। कहाँ गया ये ना? तो हेलो दोस्तों, हम अपनी थार से जा रहे हैं। हमारा बेटा कहाँ है? ये रहा, अपनी थार से जा रहे हैं मछली लाने। देखते हैं दोस्तों मछली कौन सा मिलता है, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा थार, इसमें दोस्तों एक फ़ायदा है, ना तेल लगता है ना कुछ, अपना चलिए जहाँ तक जाना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मछली कौन सा मिलता है। ओके दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग को मछली मिल गया है। अब जा रहे हैं घर और देखते हैं कैसे बनता है। आप लोग देखिए, हम लोग कुछ नया स्टाइल से आज मछली बनाने वाले हैं। गोल्डन दोस्तों मिला है और घर चलिए बताते हैं। दोस्तों फाइनली अपना घर आ गए हैं और दोस्तों मिला है आज गोल्डन मछली। और गोल्डन मछली इतना महंगा मिला है, क्या बताएं दोस्तों, 250 रुपये किलो दोस्तों गोल्डन मछली मिला है। क्योंकि गोल्डन मछली इतना टेस्टी बनता है ना दोस्तों, कि वो 500 रुपये किलो मिलता है ना, तो हम जरूर लेते दोस्तों। क्योंकि आपको पता है बिहार के आदमी ज़्यादा गोल्डन मछली ही खाते हैं। गोल्डन और रोहू सबसे टॉप बनता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, कैसे बनता है देखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गोल्डन मछली फ्राई हो रहा है। गोल्डन मछली 1.25 किलो का पीस है दोस्तों। गोल्डन मछली देखिए, अंडा इसका और ये फ्राई हुआ पर है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कैसे बनता है तरी, उसको दिखाते हैं आप लोग को। हेलो दोस्तों, गोल्डन मछली का मसाला पिसा रहा है, देख लीजिए। ये पीला सरसों ही पड़ेगा तभी टेस्टी बनेगा, क्योंकि तो ये गोल्डन मछली का मसाला है, पीला सरसों ही डालना चाहिए, समझे दोस्तों। ये देखिए, और है दोस्तों, ये मछली का मसाला पिसा रहा है, बनेगा आज मछली। देखिए देहाती लोग कैसे बनाते हैं मछली, सिलबट्टे पर पीस कर, और आप लोग पीस के बनाइए और स्वादिष्ट खाना खाइए। दोस्तों हमारा ये मसाला मछली का, गोल्डन मछली का तैयार हो चुका है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, आप लोग जान लीजिए। हल्दी, ये हल्दी है, धनिया, मिर्च और राई और लहसुन ना, हाँ, ये रहा अंदर दोस्तों, देख लीजिए। ये हमारा गोल्डन मछली का स्पेशल मसाला पिसवाए हैं दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों ये मसाला। अब इसमें पानी डाल के मिक्स हो रहा है, स्पेशल मसाला बनवाया है दोस्तों। राई का फोरन मछली में डालना बहुत जरूरी है। और ये पीला सरसों होना चाहिए, पीला सरसों गोल्डन मछली के लिए। आज पूरा रेसिपी बताएंगे कैसे बनता है। मसाला अपना रख देना है और थोड़ा दोस्तों बच के ही, क्योंकि फट 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 बहुत आवाज आता है। हेलो दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये मसाला बिल्कुल पकना चाहिए। ये मसाला जब पक जाएगा उसके बाद हल्का पानी डालना होगा, नहीं तो दोस्तों मछली का स्वाद खराब हो जाएगा, फिर हमें नहीं कहिएगा। ये बिल्कुल पक जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद मछली का स्वाद बहुत अच्छा बनेगा। देसी स्टाइल में बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, कति जहर। मसाला बिल्कुल पक चुका है देसी स्टाइल में। अब देखिए इसको पानी डाला जाएगा, डालो। हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, माल, ओरिजिनल माल। दोस्तों पानी डालते ही नहीं डालिएगा, जब ये पूरा खोल जाए उसके बाद डालना है। डाल दीजिए मछली का पीस फटाफट। देखिए दोस्तों हमारा ये मछली बिल्कुल तैयार होने जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा मछली बन के तैयार है। और दोस्तों हमें मछली और भात बहुत पसंद है, तो अब जाना है फाइनली खाने। ठीक है दोस्तों,
हम लोग का मछलियों के बन गया है, अब जा रहे हैं खाने। टाटा बाय बाय। चैनल में पहली बार आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा, और ऐसा ऐसा वीडियो तो तबाही मचा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।